आमिर खान को लेना है तो भाई ठीक है, नहीं तो देख लो मोबाइल। अरे सामने क्यों आ रहे यार, टीवी 9 नीचे बैठो। खाली बस खाली। अरे रिपोर्टर नीचे बैठो, रिपोर्टर नीचे बैठो, श्रोति नीचे बैठो ना सर, लुक एट। अरे भाई श्रोति श्रोति और नीचे रोलिंग रोलिंग तो लेकर आपने मतदान किया, आपकी नजर में क्या मुद्दे इम्पोर्टेंट हैं मुंबई के लिए जिसको सोचकर आपने वोट किया? तो ये हमारे राज्य के इलेक्शंस हैं, तो उस हिसाब से जो हमारे सामने जो मुझे लगा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको मद्देनजर रख के मैंने वोट दिया है। और मैं सभी को अपील करूँगा कि सब लोग आएँ और भारी तादाद में वोटिंग हो, हर आदमी जो है महाराष्ट्र का वो अपना मतदान करे और इस प्रोसेस में हिस्सा ले। थैंक यू सो मच। मैंने वोट किया है, निवेदन करूंगी सबसे कि आप आइए वोट कीजिए, आपका हक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सभी से चाहूंगी मैं, सब मेरे फैंस को और बाकी जनता को कि आप आइए और वोट कीजिए। माधुरी मैम फिंगर फिंगर माधुरी मैम माधुरी मैम फिंगर फिंगर पीछे 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 चले। बस बस पीछे देखिए, पीछे पब्लिक है यार, तो देखो ना, जाइए मैडम, जाइए सर, अभी छोड़ा था, अब अभी अंदर मत जाइए मीडिया वाले, प्लीज 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 तांबा जरा करना, पहले जाऊ तो यार बहुत लाइट आ रही है। मैडम यहाँ प्लीज घूम थोड़ा नीचे रखो गाइस, घूम थोड़ा नीचे। कि
हमने अपना फर्ज निभाया है, हम देश की प्रोग्रेस चाहते हैं, इसीलिए हम वोट करते हैं, तो ये हमारी ड्यूटी है, तो हमें खुशी होती है काम करके। और कुछ कहना चाहेंगे अपनी तरफ से लोगों को? मैं सब नागरिकों से यही कहूँगा कि वोट ज़रूर करें। सर, कोई एक मुद्दा जो आप चाहते हैं? डेमोक्रेसी को जीवित रखना है बस। सर, कोई एक मुद्दा मुंबई का जो आप चाहते हैं कि बहुत जल्द जो है सॉल्व हो? ये जो फ्लडिंग, रास्ते ख़राब हैं और कंजेशन हर जगह, ट्रैफिक का बहुत स्लो होता है, काम जाने में बहुत टाइम लगता है, दो दो घंटे लग जाते हैं बॉम्बे से साउथ बॉम्बे जाने के लिए, तो ये सब सुविधाएँ मैं जरूर, ये हमारे चीफ मिनिस्टर अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे यकीन है कि और अच्छा काम करेंगे। कौन था ये? अरे क्या करते हैं ये? मस्ती कर रहा है। थोड़ा सर, अरे पीछे देखो, प्लीज प्लीज प्लीज, एक्सक्यूज मी सर, सर 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 ले लिए, थोड़ा साइड हो जाइए प्लीज, साइड हो जाइए। सुबह से है इधर। मैं कहना जी वापस मेरे को अमेठी जाना है, वोटर ही है आप, चेंज कर रहे हो, अच्छा डिसीजन है, लेकिन हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। क्या चेंज कर रहे हैं आप? मैं भी अमेठी जा रही हूँ, मैं एमपी वहाँ से हूँ, वोटिंग के लिए भी आप यहीं पे रहिए, लास्ट 20 ईयर से हम लोग आपके हमेशा मिलते हैं। खन्ना जी तुसी बह जाओ, नहीं तो गिर पड़ोगे। ये सारे दो साल अंदर था जो देवी का चल रहा था ना,
तभी वो खुद ही मारा नीचे दो साल तक इतना देखो अभी वापस एक एक महीने से बाहर थैंक यू खन्ना जी आप आ जाओ किसके साथ हैं साथ कौन है सुबह 6 बजे उठते हैं नहीं हम लोग इधर ही उसको कुर्सी दिया हुआ है वो घर में जाता ही नहीं है ओके खन्ना जी थैंक यू चलो मैडम मेरे को आज तक किसी ने ऐसे फल नहीं दिया मैं कभी भूलूंगी जहाँ पे मैंने मैं 20 साल से यहाँ रह रही हूँ 20 साल से मैंने जीवन में जो भी पाया मेरा नाम मेरी शोहरत और कार्य क्षमता तो ये कर्म भूमि है और यहाँ पर बड़े आकर इस प्रकार से आशीर्वाद दें तो ये जीवन की सबसे बड़ी मेरे लिए उपलब्धि है और शायद यही रिश्ते हैं जिसके लिए मुंबई विख्यात है इसीलिए मुंबई के बारे में कहते हैं कि निरंतर चलने वाला शहर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भले लोग कहें कि हम अजनबी हैं फिर भी एक गली एक मोहल्ले में रहने की वजह से हम सब एक हैं आज लोकतंत्र के उत्सव में सब बाहर आए सब अपने अपने लोकतंत्र के माध्यम से अपने अपने अधिकारों का अपनी जिम्मेदारियों का की पूर्ति कर रहे हैं वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और मुझे लगता है आज की अगर कोई हीरो हैं तो खन्ना जी हैं आर्मी में ओए खन्ना जी आर्मी में इन्होंने सेवा दी 93 इयर्स ओल्ड वोट देता है तुसी Khanna ji is 93, he served in the Indian Army and I think that this is our pride and joy. The fact that at 93 he comes out and he gives his vote. It's an inspiration, especially un logon ko jo abhi bhi ghar mein baithe hain. Mera agrah hai ki agar 93 ki umr mein Khanna sahab 12 ke vote de sakte hain, to aapko kaun rukta hai? Main chal rahi hoon, jaun? मैं यहाँ इसके पास नहीं पहुँच सकती आपको 500 मीटर दूर जाना पड़ेगा आज के स्टार खन्ना जी हैं चलते चलते ले लो चलो बेटा नहीं कर रही मैं विकास सर को नहीं दे रही हूँ अभी मैं इंटरव्यूज नहीं दे रही हूँ चलो अरे दो कहाँ जा रहे हो तुम लोग घटोगे तो मैं जाऊँ यू गॉट द एंटेना इन द मिडल थैंक यू मैम I'm not giving any interviews, Babu. Two seconds. चलो जल्दी जल्दी. हमारे साथ में है स्मृति जी. हाँ करना जा जा आ जा. मैम. उसको दिखाना है. Thank you. स्मृति जी. इतना ही कहूंगी पुनः येथील भाजपा महायुतीची सरकार आणि देवेंद्र फडणवीस जीला मनपूर्वक अभिनंदन आणि आभार थैंक यू अरे कुछ भी हो तुम हरकत कर रही हो या मैं ओपनिंग करके वहां से उसमें जा रही हूं वहां पर जनता वाली बाइक तो वो भी तुम लगा रहे हैं ना हटाया मैंने उनको तुमने उनका आरोप लगा रही हो
जाने दो, चलो फिर अपना चलते चलते कर लेना ठीक है। थैंक यू। महाराष्ट्र की राजनीति में मैम लगता है कोई बदलाव होगा? महाराष्ट्र की राजनीति का विकास का सूरज उगा जब भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार को चुना गया। एक बार फिर देवेंद्र भाई को उनके आगामी जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मतदान कर अब बाहर निकली हैं। 93 साल के बुजुर्ग लगातार जिनके